लेट सी आज कैसा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो गाइस आज की वीडियो में विज़िट करते हैं कुछ न्यू घर और फिर सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा घर लेना चाहिए कौन सा नहीं क्योंकि हमारा क्लान है टू चेंज आवर हाउस और हम लोग क्यों चेंज कर रहे हैं वट इज़ द रीज़न बिहाइंड ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग्स में मैं बताऊँगी अभी इसको सीक्रेट रखते हैं फिलहाल यहाँ पे हम एंटर हो गए थे घर में और जब भी नया घर देखना होता है उसकी जो मेन चीज़ होती है वो होती है किचन किचन क्योंकि कहते हैं न किचन इज़ द हार्ट ऑफ होम किचन सबसे अच्छा हो और वाशरूम सबसे अच्छा हो तो आपका बड़ा ईजी सा हो जाता है सारा सिस्टम तो गर्स यहाँ पर हम लोग एंटर हुए तो काफ़ी अच्छा स्पेशियस था दो तीन यहाँ पे रूम्स थे टू वॉशरूम थे अच्छा बड़ा हॉल था क्योंकि खुला बड़ा घर लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है कहीं पे कोई चीज़ मिलती है कहीं पे कोई चीज़ नहीं होती तो हर जगह आपको जो है ना सारी चीज़ें नहीं मिलती तो खैर अभी ये था ऊपर आए थे हम लोग और ऊपर इसी बिल्डिंग में ही ऊपर एक और घर था तो ये घर तो अच्छे थे खुले थे बड़े थे बट यहाँ पे ये था कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग थी और कुछ पुराने ही स्टाइल के बने हुए थे तो यहाँ पे बस हम लोगों ने माइंड में रख लिया कि ठीक है इसको विज़िट कर लिया बट वी विल स्टिल गो एंड सी मोर हाउसेस तो आप लोग भी ये सारे घर देखें और फिर हमें बताइएगा कि कौन सा अच्छा है तो ये था यहाँ का मेन लाउंज और ऊपर वाला जो ये एरिया था इसका किचन बहुत ज़्यादा ही यूज़ हुआ हुआ लग रहा था क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ओनली रेंट के हाउस होते हैं आप अपना घर यहाँ पे नहीं ले सकते सऊदीया में तो इफ़ यू चेंज हाउस और बड़ा भी लेते हो तो बस आपको रेंट पे ही मिल सकता है यू कैन नॉट बाय प्रॉपर्टी इन सऊदीया तो इट डिपेंड्स कि आपको किचन में क्या क्या मिलता है यहाँ पे किचन में फ्रिज भी था और कुछ चीज़ें भी पड़ी हुई थी आ वो उधर अलमारी में बट खैर बहुत ज़्यादा डर्टी सा लग रहा था तो इसको तो बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया था और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था इसका हॉल अच्छा था और एक चीज़ अच्छी थी कि यहाँ पर आगे जाके के थी बट जिसका किचन अच्छा ना हो वहाँ पर जाके हमने क्या करना है और बेलकनी का भी क्या करना है क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो आपका किचन में गुजरता है और बच्चों के साथ भी आप किचन में खाना ये वो बच्चे भी किचन में आ जाते हैं तो मेरा मेन फोकस था कि किचन सबसे अच्छा होना चाहिए वेल well, अब चलते हैं एक नई जगह और साथ साथ आपको अपडेट दे देती हूँ ये कि वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट और शिफ्टिंग की भी जो वीडियोस हैं वो भी मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगी तो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल ट्राई कि अब मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग अपलोड करूँ ताकि मेरी ऑडियंस बोर ना हो जाए और यार एक और चीज़ आप लोग देखते तो सारी वीडियोज़ हैं बट कमेंट्स क्यों नहीं करते यार कमेंट भी किया करो ताकि मुझे भी खुशी मिले तो खैर ये था एक और घर इट वॉज़ क्वाइट गुड नीट एंड क्लीन था सारा न्यू था बट जो घर हमें अच्छा लगता था उसकी लोकेशन अच्छी नहीं होती थी तो इस तरह से करते करते बहुत टाइम लग गया हमें एक घर सेलेक्ट करते हुए इस घर को आप लोग जरा देखें साथ साथ और ये अमल आ गई है मैं ज़रा इसको भी देखूं पूरे वॉइस ओवर में आज इसने मुझे तंग किया <laughs> बच्चे तो थोड़ा साथ साथ चलते ही रहेंगे और इनकी सेटलमेंट भी करके आओ ना टॉयज वग़ैरह देख के आओ फिर भी ये साथ साथ ही रहते हैं तो खैर यहाँ पे अभी आप लोगों ने वॉशरूम देख लिया है अब ये था एक रूम और इसके आगे ये था हॉल और ये आ गया था इसका किचन काफ़ी नीट एंड क्लीन था और ये सारी जो कैबिनेट्स थी ये भी न्यू थी तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं वन एवर यू शिफ्ट होम और काफ़ी सारी चीज़ें आपको देख के शिफ्ट करना पड़ता है और उससे पहले इतने सारे प्रोसीजर्स भी होते हैं तो वो मैं आपके साथ साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी फ़िलहाल तो बड़ी एक हाउस हंटिंग चल रही है और मिशन चल रहा है कि जल्दी से घर सेलेक्ट करें और उसके बाद जो इंटीरियर होगा और घर की सेटिंग एंड ऑल द स्टफ़ वो भी मैं आपके साथ साथ, साथ शेयर करती रहूँगी क्योंकि okay, घर के ब्लॉग्स और घर को सेट करना होम डेकोर इंटीरियर इसका सबको ही शौक़ होता है तो okay, कई जब भी आप किसी जगह से मूव होते हो कोई जगह चेंज करते हो आप तो वहाँ की जो मेमोरीज होती हैं ना वो आपको बड़ा रिकॉल करती हैं आपको यू you नो know, हर जगह जहाँ आप रह रहे होते हो वहाँ की आपकी एक एफिलेशन सी हो जाती है आपकी मेमरीज बन जाती हैं तो खैर इसको भी डिस्कस करेंगे अभी आगे की वीडियोज़ में और अभी यहाँ पे ये हो रहा था कि एक नए हम एरिया में एंटर हुए थे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एरियाज़ होते हैं ये सारा जो एरिया था ये बेसिकली विला एरिया था और यहाँ पे सारे विलाज थे नो बिल्डिंग और खुली खुली सी जगह थी और काफ़ी अच्छी लोकेशन थी यहाँ की तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सोचा कि विज़िट कर लेते हैं मे भी कोई अच्छा लग जाए क्योंकि जब आप इस तरह की एक्सप्लोर कर रहे होते हो हाउस हंटिंग एंड ऑल द स्टफ़ तो आपको बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं कि बाहर पार्किंग भी अच्छी हो बस ये था यहाँ पे सारा एरिया एंड इट वॉज क्वाइट गुड साथ मस्जिद भी थी और थोड़ा सा आगे जाके पार्क भी था तो ये मैं आपको सारा डिटेल में भी दिखाऊंगी तो लेट्स सी कि यहाँ पे हमें कैसा घर मिलता है क्योंकि अभी जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो बाहर से ही हम लोग सिर्फ विज़िट कर सके थे क्योंकि यहाँ पे होता ऐसे है कि यहाँ पे जो भी घर देखना हो तो वहाँ का एक अकारी होता है सॉर्ट ऑफ मैनेजर कह लो इन उर्दू uh, या इन अदर टर्म्स तो उससे कॉन्टेक्ट करके फिर ही आप किसी विला में जाके और घर वग़ैरह देख सकते हो तो यहाँ पे हमें जो है वो नहीं मिला था कोई नंबर वगैरह तो हम लोग यहीं से वापस आ गए थे तो बस इन फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी होपफुली uh, हम लोगों को कोई अच्छा जो है ना घर मिल जाएगा तो बस वापसी पे हम लोगों ने खाना बना इन्जॉय कर लिया था क्योंकि इतनी सारी जो हंटिंग थी और खौरी होती है ना इन सब कामों में उसके बाद काफ़ी भूख भी लग गई थी और बच्चे भी साथ थे तो हम लोगों ने ले लिया था सबवे एंड दैट्स वेरी हेल्दी ऑप्शन आल्सो क्योंकि आपको पता है कि ऑयली चीज़ें कम खानी चाहिए विद द एज विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो डाइजेशन होती है वो स्लो हो जाती है तो आपको अपनी लाइफ में हेल्दी चीज़ें लेके कर आनी चाहिए और अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए तो खैर बस यहाँ पे हो गई कुछ खाने पीने की बातें और वापसी पे हम लोगों ने करनी थी कुछ ग्रॉसरी बच्चों के लिए तो वो करके तो हम लोग चले गए थे घर वापस और बस यहीं पर मैं वीडियो का एंड करूँगी और जाते जाते आप लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज एक अच्छा मैसेज वो ये है कि जस्ट सी द पॉज़िटिव इन एवरी थिंग मकसद के आपको कुछ भी चीज़ आपको नेगेटिव लग रही है आपको लग रहा है कि नहीं उसने मेरे साथ ये कर दिया ये हो गया तो उस सारी सिनेरियो के अंदर या उस सारे झगड़े के अंदर अगर आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू निकाल लें तो आपका माइंड भी पीस में आ जाएगा और आप पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट कर देंगे तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं लाइफ में विद द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स तो एक पॉजिटिव थॉट से चलना जो है ना आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देगा अगर आप सुबह उठते हैं और सुबह उठ के आप पॉजिटिव माइंड से अपना डे स्टार्ट करते हैं तो यू विल सी यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस कि आपको कितना प्रोडक्टिव डे लगेगा और आप कितने सारे काम कर लेंगे अगर नेगेटिव थाट्स माइंड में होंगी तो आप कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर सकते तो बस यहाँ पर मेरे बच्चे कर रहे हैं थोड़ा सा इन्जॉय और ये कुछ पहले के भी क्लिप्स है तो मैंने कहा साथ ही ऐड कर देती हूँ तो बस यहीं पर एंड करते हैं आज की वीडियो को आई होप आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना और आज की वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि कौन सा घर अच्छा था कौन सी लोकेशन अच्छी थी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या पता नेक्स्ट वीडियो तक हमें कोई अच्छा घर मिल जाए तो आपसे मैं अपना हाउस शेयर कर दूँगी तो फिर मिलते हैं अल्लाह हाफिज़ टेक केयर